फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारे पास सुपर एशिया की मोटर है। इसका एक ऐसा फॉल्ट है जो आप घर में खुद रिपेयर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पहले दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक सुपर एशिया की मोटर आ जाई है। तो इसमें कुछ इस तरह का फॉल्ट है कि जो आप घर में खुद रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये यहां पर देखें कि यहां पर जो इसकी मेन लीड है, यानी कि जो तीन लीडें हैं कॉमन और दो रनिंग और स्टार्टिंग की, वो स्पार्किंग होकर और नीचे जो सेट है इसका, उसको भी इन्होंने डैमेज कर दिया है। तो इसको किस तरीके से आप घर में बासानी रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही इजी और सिंपल में थोड़ा है, आप बहुत ही इजी तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि इस सेट से वायरें जो है वो कितनी ख़राब हुई हैं, कितनी डैमेज होंगे। अगर एक या दो वायर हैं तो उसको हम सिंपली तरीके से जॉइंट लगा कर इसका जो सर्कट है, इसकी कंटिन्यूटी जो है वो आगे यानी कि दूसरे सेट तक पहुँचा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लिया और नीचे जो सेट है, जो सेट डैमेज हुआ है, उसमें सिर्फ सिर्फ दो या तीन वायरें हैं। वो आपको मैं दिखाता हूँ कि दो या तीन वायरें हैं जो इसकी ब्रेक हुई हैं, जिसकी वजह से इसकी कंटिन्यूटी जो ब्रेक हो चुकी थी। तो इस तरीके से आप वो दोनों वायरों को आपस में जॉइंट लगा कर जो है इसका सर्किट जो है वो चालू कर सकते हैं, और जो इसकी मेन लीडें हैं कॉमन और रनिंग स्टार्टिंग की, वो सिंपली तरीके से आप उसको कनेक्ट करके बाहर निकाल सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो इसकी वायर है वो इस तरीके से ब्रेक हुई है। तो इस तरीके से हम सिंपली इसको सीरियस की मदद से चेक करके इसको जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो कस्टमर के कहने पे ये मोटर जल चुकी थी, लेकिन हमने जब इसको खोला तो देखा कि छोटा सा फॉल्ट था, लेकिन हम उतने ही पैसे वसूल करेंगे जितना इसमें काम किया है। हम इसके वेंडिंग के पैसे नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो जितनी रिपेयरिंग की है उतने ही हम पैसे वसूल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके हो गई है। तो सिर्फ और सिर्फ इसकी रनिंग और स्टार्टिंग और यहाँ पे जो कॉमन लीड है वो बाहर निकाल कर इसको हम जो है वो ओके कर लेंगे, इसको अच्छे तरीके से वार्निश दोबारा कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये फिटिंग हो गई है, वार्निश इसको कर ली थी। तो अब इसको चेक करके आपको अम्पेयर और इसका जो है वो मुकम्मल यानी कि कितनी कंजम्पशन है इसकी वो चेक करवाते हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही जो है वो काम करेगी, यानी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी चेक करवाता हूँ आपको, अम्पेयर भी इसके चेक करवाऊँगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर वर्क कर रही है, दोनों साइडों पे बिल्कुल बराबर एक जैसे अम्पेयर कंज्यूम कर रही है, लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे एक जैसे अम्पेयर कंज्यूम कर रही है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 0.6 दोनों साइडों पर प्रॉपर जो अम्पेयर वो कंज्यूम कर रही है। तो ये थी इसकी रिपेयरिंग और इसकी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।